नाम है मेरा, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ नागरिक एकता पार्टी का। आज आप लोग किस लिए आओ, क्या है क्या? हम लोग आज आए हुए हैं वो मासूम बच्ची के साथ जो बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई है, उसके साथ अभी तक कोई इंसाफ नहीं हुआ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली है, उसके प्रोटेस्ट के लिए हम लोग आए हैं। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं की क्या? हाँ, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं की। अगर कार्रवाई की होती और हम लोग पुलिस से सेटिस्फाई होते तो आज हम इस प्रशासन से आप क्या मांगे? हमने इससे पहले कैंडल मार्च किया, शांतिपूर्ण तरीके से कैंडल मार्च किया, लेकिन किसी भी हालत में अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है, परिवार को कोई मदद नहीं मिली है। और ये बड़े शर्म की बात है कि राजधानी जैसी जगह में, यूपी की राजधानी जैसी जगह में हत्यारे बलात्कारी घूम रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। प्रशासन से आपकी क्या मांग? प्रशासन से मेरी मांग यही है कि 25 लाख रुपए का परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए और तत्काल प्रभाव से उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए हत्यारों की। आपको लगता है कि बीजेपी के कार्य शासन में पुलिस प्रशासन का कार्य ठीक नहीं है? बीजेपी के शासन में जो है, आप जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो कानून व्यवस्था, वो आप देख ही रहे हैं, उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, वो सब सामने है।